तो सबसे पहली खबर आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, 23 जुलाई को संसद घेराव की तैयारी है। नायक हरपाल सिंह जो कि जनरल सेक्रेटरी साबका सैनिक संघर्ष कमेटी, उनके द्वारा दिया गया है। जिला तरन तारण पंजाब से 22 जुलाई 2023 को पत्नी तथा बच्चों सहित संसद घेराव के लिए ट्रेन की टिकट बुक करा दिए दोस्तों। ट्रेन की टिकट की प्रतिलिपि यहाँ पर आप उसकी फ़ोटो देख पा रहे होंगे। और यहाँ पर उन्होंने आगे बताया है कि याद रखिए, यहाँ संसद घेराव सिर्फ पूर्व सैनिक जवानों के लिए नहीं बल्कि उनकी फैमिली के सम्मान के लिए भी है। आगे उन्होंने कहा कि पंजाब से पूर्व सैनिक जवान अपनी पत्नियों तथा बच्चों सहित 23 जुलाई को संसद घेराव के लिए पहुंच रहे हैं। 29 जून 2023 को 170 पूर्व सैनिक जवानों द्वारा पत्नियों तथा बच्चों सहित टिकटें बुक कराई है, जिसमें सबसे छोटे बच्चे की उम्र 3 साल, सबसे छोटे जो बच्चे की उम्र है वहाँ 3 साल है। और 23 जुलाई को दिल्ली संसद घेराव के लिए पूर्व सैनिकों के दिलों में जोश है, उत्साह है। जो पूर्व सैनिक जवान भाई जो भी हैं, अपंगता के कारण किसी और मजबूरी के कारण दिल्ली में नहीं पहुंच सकते, वहां दूसरे पूर्व सैनिक जवानों की ट्रेन की जो टिकट है वहां रिजर्वेशन करवा कर उनका सहयोग करें कि मर्द संघर्ष करते हैं और ना मर्द खड़े ताली पीटते हैं। अब पता लग जाएगा कि मर्दों की गिनती में कौन आते हैं और कौन नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, उनके द्वारा यह अपडेट दिया गया दोस्तों। दूसरी खबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, विपक्ष की हैं, हालांकि ये पहले सरकार में थी। हरसिमरन कौर जो कि शिरोमणि अकाली दल की एक नेता हैं, उनके द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट यहाँ पे उनकी तरफ से है। एमपी हरसिमरन कौर ने केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह से अपील की कि पूर्व सैनिकों की शिकायतों का जल्द समाधान किया जाए। और उन्होंने जो यहाँ पे पॉइंट उठाए हैं, आपको जानना जरूरी है कि क्या क्या पॉइंट उनके द्वारा यहाँ पे कहे गए हैं। सभी पॉइंटों को उन्होंने यहाँ पे कवर किया है, चाहे डिसेबिलिटी पेंशन हो, चाहे पीएमआर की बात हो, चाहे जो पेंशन है उसकी बात यहाँ पे कही गई है। वीर नारियों की पेंशन के बारे में उनके द्वारा यहाँ पे बात की गई है, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री बीवा हरसिमरन कौर बादल ने आज केंद्रीय मंत्री श्री राजनाथ सिंह से पेंशन, पारिवारिक पेंशन और विकलांगता पेंशन सहित पूर्व सैनिकों की सभी शिकायतों का शांतिपूर्ण समाधान करने की अपील की। बठिंडा सांसद ने रक्षा मंत्री को लिखे पत्र में कहा कि उन्हें सैनिक वेलफेयर एकता एसोसिएशन से एक ज्ञापन मिला है जो 20 फरवरी से अपनी मांगों का समाधान करने के लिए लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इसलिए रक्षा मंत्री उनकी समस्याओं का तत्काल समाधान करने की अपील की है। उन्होंने कहा, हमारे पूर्व सैनिक हमारा गौरव हैं, हमारी मातृभूमि के लिए उनका बलिदान अतुलनीय है। एक समाज के रूप में हमारा यहाँ कर्तव्य है कि हम उनके जीवन की अंतिम पड़ाव में उनकी देखभाल करें। बहुत ही मार्मिक बात उनके द्वारा यहाँ पे कही गई है और जो कि सरकार को सुननी चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि पूर्व सैनिकों ने पेंशन, पारिवारिक पेंशन और विकलांगता पेंशन में विसंगतियों का समाधान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि समय से पहले सेवानिवृत्ति होने वाले जीसीओ और जवानों को वन रैंक वन पेंशन यानी वारूपी का पूरा लाभ नहीं मिला है, क्योंकि उनकी पेंशन अधिकतम पैमाने पर तय करने के बजाय गलत तरीके से औसत आधार पर तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि पारिवारिक पेंशन को मौजूदा 60% से अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है। आगे उन्होंने कहा कि पूर्व सैनिकों ने जीसीओ जवानों के लिए विकलांगता पेंशन तय करने में भी विस्तृत विसंगतियां हैं जिन्हें दूर करने की आवश्यकता है। और यहाँ पर उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही जो कि आप सबको जानना जरूरी है। हरसिमरन बादल ने कहा कि अन्य मुद्दों के बारे में उन्होंने बोलते हुए कहा कि जीसीओ और जवानों को सैन्य जीवन की, सैन्य सेवा की कठिनाइयों और जोखिम के कारण अधिकारियों की तुलना में कम सैन्य वेतन दिया जा रहा है और इस विसंगति को दूर किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसी तरह खतरनाक ऑपरेशनों के लिए भत्ता सभी रैंक के लिए एक समान होना चाहिए। फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन के बैनर तले विरोध प्रदर्शन कर रहे पूर्व सैनिकों की मांग के बारे में सिमरन कौर ने कहा कि यहाँ देश के हित में होगा कि पूर्व सैनिक जल्द से जल्द अपना धरना समाप्त करें, और जल्द से जल्द अपना धरना तभी समाप्त करेंगे जब सरकार उनकी बातों को सुनेगी, इसलिए उनकी मांगों का तत्काल समाधान किया जाना चाहिए। तो ये बात उनके द्वारा कही गई है दोस्तों। यहाँ पे उन्होंने सभी पॉइंटों को, सभी बातों को, सभी जो पॉइंट हैं जिस पर पूर्व सैनिक अपना आंदोलन जारी रखे हुए हैं, उन सबको यहाँ पर उन्होंने अपने आवाज़ के माध्यम से, अपने लेटर के माध्यम से उठाया है और राजनाथ सिंह जी को लिखा है। तो दोस्तों ये थी दोस्तों आज की प्रमुख अपडेट। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।